नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। छठे और सातवें चरण की रण को भेदने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में 25,000 महिलाएं हिस्सा लेंगी। यह पहली बार होगा जब किसी राजनीतिक दल की ओर से इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें संचालन, मंच, व्यवस्था समेत सभी जिम्मेदारियां महिला ही संभालेंगी। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के सभी 1909 बूथों में महिलाओं की भागीदारी पार्टी की ओर से सुनिश्चित की गई है। यह कार्यक्रम यूं ही नहीं है, इसके सियासी मायने भी है। भाजपा महिला मतदाताओं पर शुरू से ही विशेष ध्यान केंद्रित करती रही है। पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटें गाजीपुर, घोसी, भदोई, वाराणसी, जौनपुर, मछलीशहर, बलिया, मिर्जापुर, आजमगढ़, लालगंज, चंदौली, रावर्ट्सगंज और सलेमपुर में अगले 10 दिनों में मतदान होने हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से देखा जाए मतदान होना है, लेकिन बीजेपी ने एक नया कार्ड खेल लिया है। बीजेपी ने महिलाओं की एंट्री करा दी है। मतदान से लेकर हर जगह महिलाओं की एंट्री रहेगी, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए अरुण जी, यह दो चरण जो बचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चूंकि पूर्वांचल की 13 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर, जौनपुर, घोसी और मछलीशहर जो बनारस के आसपास की सीटें हैं, 2019 में चुनाव हार गई थी। हालांकि आजमगढ़ सीट भी चुनाव 2019 में हारी थी, लेकिन जब उपचुनाव हुआ था वहां भारतीय जनता पार्टी यह सीट जीत ली थी। लेकिन जिस तरह का वोटिंग पैटर्न चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसी नाते महिलाओं को तवज्जो शुरू से दे रही है। अब फिर एक नई रणनीति के तहत महिला मात्र सम्मेलन करने जा रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी मात्र सम्मेलन करती रही है, हर विधानसभा वार रथ जा रहे थे, महिलाओं को उससे जोड़ा जा रहा था, महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला जा रही हैं मोदी सरकार, योगी सरकार की तरफ से उसको बताया जा रहा था, जो महिला पायलट्स हैं जो ड्रोन की ट्रेनिंग ले रही हैं उनको जोड़ा जा रहा था, लखपति दीदी अभियान ऑलरेडी चल रहा था, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो मानदेय है समय पर देने की व्यवस्था की जा रही थी, उनको अलग से वाहन भत्ता भी दिया गया। तो कुल मिला के महिलाओं पर फोकस है। और जो 13 सीटें हैं इसमें 1,50,00,000 से अधिक महिला मतदाता हैं और भारतीय जनता पार्टी इन मतदाताओं को लगातार अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। जब चुनाव से पहले संसद का सत्र चला था तो अंतिम चरण में नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी लागू किया गया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको आरक्षण भी दिया जाएगा। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दांव खेला है और जो सीटें बनारस के आसपास की, चाहे गाजीपुर हो, चाहे जौनपुर हो, घोसी हो या मछलीशहर हो या आजमगढ़ हो, इन सीटों पर ज्यादा फोकस करना है। चूंकि यह सीटें 2019 चुनाव में हारी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है और इंडी गठबंधन, राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। तमाम सीटों पर कांटे की लड़ाई हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे उभरने के लिए, अपने बढ़त को बनाने के लिए यह सम्मेलन करने जा रही है। और इस सम्मेलन की सबसे बड़ी खूबी होगी कि जितने भी महिला कार्यकर्ता आएंगे उन्हीं में से सभी लोग मंच का दायित्व संभालेंगी, जो स्वागत भाषण देना वो महिलाएं ही देंगी और हर बूथ पर महिला पोलिंग एजेंटों की भी तैनाती की जा रही है ताकि महिलाओं को एक स्थान दिया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से जरदोजी कारीगर और बुनकर महिला कारीगरों को तवज्जो दिया था, उनको मुद्रा योजना के जरिए, प्रधानमंत्री ऋण योजना के जरिए लोन दिया है, वह आत्मनिर्भर बनी है, तो उन लोगों को भी खास तौर से बुलाया गया है इस सम्मेलन में ताकि वह अपनी बात आम जनता के बीच रख सके कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो 1.5 करोड़ के आसपास महिला मतदाता है, दो चरणों में जो भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन की भाग्य विधाता बनने वाली है, वह किसके तरफ जाएंगे। इतना जरूर है भारतीय जनता पार्टी शुरू से महिलाओं को फोकस कर रही है, इसी नाते उन्होंने शौचालय योजना लाई थी, क्योंकि महिलाओं को घर से बाहर निकलकर शौचालय में के लिए खेतों में जाना पड़ता था, जंगलों में जाना पड़ता था, तो इसका भी लाभ मिला था। उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर दिए गए हैं। जो जनधन योजना के तहत खाते खुले हैं उसमें 56% से अधिक महिलाओं के खाते खोले गए हैं। तो महिलाओं को लेकर
लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से फोकस करती रही है, लेकिन अब आने वाले जो दो चरण बचे हुए हैं इसमें कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, सारी कवायद इसी पे टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका कमान संभाल रहे हैं। आज शाम को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम किया जाएगा, वहां महिलाओं के से जुड़ी समस्याओं पर चिंतन किया जाएगा, महिलाओं के लिए सरकार ने क्या क्या किया है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा, आने वाले दिनों में क्या योजनाएं और लागू की जाएंगे इस पर भी मंथन किया जाएगा। और बनारस उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी कही जाती है, देश की सांस्कृतिक नगरी कही जाती है, और पूरे देश के लोग इस समय बनारस में हैं, क्योंकि तमिल काशी संगमम जो एक कार्यक्रम चल रहा लगातार, दक्षिण भारत के कलाकार भी जमे हुए, तो कुल मिलाकर एक अनूठी छटा बिखेरने की कोशिश की जाएगी, महिलाओं को आगे किया जाएगा। देखना होगा इसका असर दो चरणों के चुनाव में कितना पड़ता है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो महिला वोटर है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, और जो पांच चरण पीछे चुनाव हुए हैं उसमें कहीं कहीं महिला मतदाताओं का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखा है। इसी से उत्साहित होकर प्रधानमंत्री मोदी ने 25,000 महिलाओं का सम्मेलन आज बनारस में बुलाया है। अब देखना होगा कि उनके सामने कौन सी बात प्रधानमंत्री रखते हैं, यह सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। जी अरुण राघवी, जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो सियासत होती है काफी दिलचस्प होती है। अब बीजेपी ने तो महिला कार्ड खेल दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन इसके विपरीत क्या लेके आने वाला है, क्योंकि लगातार देखा जाए विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में डटा हुआ है, विपक्ष भी पूरी कोशिश कर रहा है कैसे भी करके उत्तर प्रदेश को जीत लिया जाए। देखिए अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंबाले इंडी गठबंधन ऑलरेडी मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है, उसने महंगाई को मुद्दा बनाया, महंगाई का सबसे अधिक असर किचन तक पड़ता है जिससे महिलाएं प्रभावित होती हैं। प्रियंका गांधी लगातार सिलेंडर की बात करती हैं, जो गैस सिलेंडर 1100 से ऊपर का रेट का चल रहा है, वह कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, हर महिला को 1,00,000 रुपए देने का वादा ऑलरेडी राहुल गांधी कर रहे हैं, एक जुमला बना हुआ है खटाखट प्रधानमंत्री मोदी टकाटक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनावी मैदान में दोनों दल, दोनों गठबंधन आमने सामने है, और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश की बैतरणी को पार किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश को फतेह करता वह दिल्ली की कुर्सी तक आसानी से पहुंच जाता है। यही कोशिश इंडी गठबंधन की तरफ से भी है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ से है। प्रधानमंत्री मोदी जहां महिला सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राहुल गांधी लगातार महिला मुद्दों को लेकर जनता के बीच में, महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं को अलग से पैसा देने का मुद्दा है, तो कुल मुद्दे जनता के बीच। हम देखना होगा कि महिलाएं किसे चुनती हैं, क्योंकि महिलाओं का वोट उत्तर प्रदेश में लगभग आधा है, और महिलाएं जिसके साथ जाती हैं उसकी सरकार भी बनती है। क्योंकि अरुण जी, उत्तर प्रदेश में विकास की बात तो होती है, हर चुनाव जब शुरू होता तो विकास के मुद्दे पीटे जाते हैं, लेकिन अंत में आते आते सारी चौसर जाति गुड़ा भाग पे टिक जाती है, जाति गोलबंदी पे टिक जाती है। जब चुनाव शुरू हुआ था फरवरी के लास्ट में लग रहा था कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा, सभी दल अपने विकास के एजेंडा रखेंगे, लेकिन अंत आते आते कहीं न कहीं जाति सम्मेलन पे टिक गया। कोई आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है तो कोई विकास का मुद्दा उठा रहा है, तो कोई छत्री बावन को सहेजने की कोशिश कर रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छत्री बिरादरी नाराज हुई उसको सहेजने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है, अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, तो कहीं कहीं जातियों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सब इसके इतर कहीं कहीं विकास के मुद्दे भी हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे उनको भी हवा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब मुद्दों को हवा दी जाती है तब भी जात का कार्ड काम आता है, और दोनों दल कहीं कहीं जात के मुद्दे पे भी काम कर रहे हैं और विकास के मुद्दे को लेकर भी जनता के बीच हैं। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है, लेकिन इतना जरूर है जो पिछले पांच चरण के चुनाव हुए हैं उसमें कांटे का मुकाबला हुआ है, दोनों दलों की सांसें अटकी हुई हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या फैसला आता है। जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी हर चुनाव से पहले एक हवा फैलाती है, इस चुनाव में बीजेपी ने देखा कि अब की बार 400 पार, लेकिन यूपी में बीजेपी कह रही है अब की बार 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में। क्या जो विपक्षी दल है, जो इंडिया गठबंधन है, वो कितनी सीटों पर दावा कर रहा है उत्तर प्रदेश? देखिए, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने पीसी की थी तो उन्होंने दावा किया था कि हम 71 सीटें जीत रहे हैं। अगर 71 सीटें इंडी गठबंधन जीत रही है तो निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली की राह कठिन हो सकती है। लेकिन इसके इतर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो कल भूपेन चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा कि पांचवें चरण के चुनाव आते आते हम केवल एक सीट रामपुर हार रहे हैं, बाकी सभी सीटों पर विजय हासिल कर रहे हैं। तो दोनों गठबंधनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है वह बहुत कांटे की है, चाहे कौशाम्बी का हो, चाहे बाराबंकी हो,
या मोहनलालगंज हो या कैसरगंज हो, अमेठी में कांटे का मुकाबला हुआ स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच, रायबरेली में राहुल गांधी की राह थोड़ी आसान दिख रही है। तो कुल मिला के कांटे का मुकाबला है, अब देखना होगा कि कौन दल बाजी मारेगा। लेकिन इतना जरूर है, चुनाव से पूर्व 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था तो उस समय लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई दल चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन चुनाव आते आते स्थितियां बदली हैं। आज इंडी गठबंधन भी ताल ठोक रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत के मुकाबले के लिए अपने रणनीति पे लगातार काम कर रही है। अब देखना होगा कि परिणाम क्या आते, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में दोनों गठबंधनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। जी राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।